हेलो, आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन फ्यूचर को कैसे हैजिंग करा जाता है। हम अगर ओवरनाइट पोजीशन रखेंगे तो मैं फ्यूचर टू फ्यूचर भी यहाँ पे नहीं कर सकता। फ्यूचर टू फ्यूचर हम अभी का फ्यूचर बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर सेल कर सकते हैं, तो इस तरह से कोई प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर को कैसा ऑप्शन द्वारा हेजिंग कर सकते हैं, तो हम ये दिखाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन द्वारा हेजिंग करने का बहुत सारे स्टाइल है, तो मैंने सिंपल सा जो फार्मूला है दो तीन स्टाइल में आपको बताएंगे। तो हम लोग ऑप्शन को मतलब फ्यूचर को कैसा ऑप्शन तरह हैज कर सकते हैं, पहले तो हमको व्यू क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम पहला व्यू डिसाइड करेंगे, राइट। तो हम पहला व्यू डिसाइड करेंगे, हमारा व्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक छोटा वाला ले लेंगे, नहीं तो इसको ही ले लें, छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे राइट, हमारा जो भी ये हमारा जो प्राइस है अभी चल रहा है, तो हम लोग अगर बाय करेंगे इस प्राइस में, हमारा व्यू है मार्केट यहाँ तक आएगा, राइट। तो मतलब हमारा व्यू है बाय साइड, तो हम फ्यूचर को क्या करेंगे, बाय करेंगे, VUY। ठीक है, यहाँ पे वो माउस खरीद माहौल से नहीं होता, ये लैपटॉप से कर रहा वीडियो ना, तो ये यहाँ से हम लोग माल खरीदेंगे, यहाँ जाके बेचेंगे, हमारा अच्छे खासा प्रॉफिट होगा, राइट। अगर इसका रिवर्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का चक्कर में भागेंगे। अगर लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, उधर हाथ पकड़ के बैठेंगे, और क्या समझ में आ रहा है। तो इसी का वजह से हम इसको हेजिंग करेंगे, जो मेरा लॉस कम हो, मेरा पेन ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दर्द हुआ तो टैबलेट खाना पड़ेगा, कम दर्द है तो थोड़ा कम खाना पड़ेगा। अगर बिना मतलब टैबलेट ही नहीं खा रहा है तो कैसे दर्द सह पाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो आप रोएगा रात में। फिर इसी तरह से ये भी काम होता है, अब स्टॉप लॉस भी ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन को फ्यूचर को हेजिंग करा जाता है। तो हेजिंग कैसा करता है ये बताया मैं, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू क्या है, व्यू है मार्केट को हम बाई करेंगे, राइट। तो हम बाय करेंगे मार्केट को, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्यूचर को बाय नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्टली फ्यूचर को हम बाय नहीं करेंगे, हम स्टाइल करके बनाएंगे। अभी ये फ्यूचर प्राइस यहाँ चल रहा है, राइट। अभी जो स्पॉट प्राइस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है, राइट, तो ये प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर स्पॉट प्राइस जो है फ्यूचर का, तो हम इस प्राइस में बाय करेंगे, बाय करेंगे। देखो यहाँ पे ये इस टाइप को हम बाय करेंगे, राइट। यहाँ से हम फ्यूचर को बाय करेंगे, तो बाय करने के लिए दो रीजन है, हम सीधा हमारा ये जो ब्रोकर है ये अलाउ करता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पेपर ट्रेडिंग मतलब पेपर ट्रेडिंग नहीं, यहाँ पे पोजीशन बनाना पड़ता पहला, उसके बाद ब्रोकर में अप्लाई करना पड़ता। तो हम लोग फ्यूचर को यहाँ पे देखो, फ्यूचर क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर हम बाय करेंगे, राइट। हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे, फ्यूचर एक क्वांटिटी बाय कर दिया। अभी हम किस तरह से इसको फ्यूचर तो बाय कर दिया, हम कैसे हैश करेंगे, राइट, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। देखिए अभी सिलेक्ट करेंगे, पहले तो इसको काट करेंगे। अब मंथली में यूज़ कर रहा हूँ, वीकली भी, अभी हम लोग वीकली का बात करेंगे, चलो। ठीक है, वीकली में जाएंगे तो हमारा ऑप्शन चेन है यहाँ पे, सॉरी बैंक निफ्टी का लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको काट करेंगे, ये क्योंकि ये वाला जो है ये हम लोग कोई भी एक लेना था, इसको काट कर देंगे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, राइट। अभी ये प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे, हमारा व्यू है मार्केट इकाई को, इधर हम लोग बैंक निफ्टी का ही दिखा रहा था, राइट। तो हम बैंक निफ्टी को फ्यूचर को बाय कर लिया। अभी हम लोग किस तरह से इसको एनालाइज कर देंगे, ये देखो डे ऑप्शन जो क्या है, हमको पहला तो इसको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। ये 4 डेज मतलब वीक का है, ये नेक्स्ट वीक का है, मंथली का है, मतलब ये मंथली का है, तो ये नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो हम ये वाला अभी का जो चल रहा है वीक, तो उसको मैं क्या किया, फ्यूचर को एक क्वांटिटी क्या किया, बाय किया, राइट।
यहाँ पे एक क्वांटिटी बाई कर दिया, अभी कौन सा स्ट्राइक लेंगे, हमें बाई किया उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस देना है कौन सा, मतलब हेजिंग कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या किया फ्यूचर को बाई किया तो अगर मार्केट रिवर्स आएगा, रिवर्स आने के लिए कौन सा स्ट्राइक, पुट साइड, राइट, पुट नीचे आया तो अच्छा प्रॉफिट देगा, राइट। तो हम पुट को करेंगे बाई, तो कौन सा डेल्टा को हम बाई करेंगे, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। हम लोग डेटा ऑप्शन सेल के थंबल में आपको देगा डेल्टा द्वारा हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को पास डेल्टा ये है डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा हम लोग को मालूम होगा कहाँ से मिलता, इसको हम लोग क्या करेंगे 0.46 डेल्टा, नहीं तो 0.56। अभी किस तरह से आप लॉस कितना ले सकता है उतना हिसाब से आप बाई सेल करना है, ठीक है। तो हमने ना ज़्यादा नहीं लेगा 46, राइट, और 43 है ना, 46 प्लस 46 कितना होता है 80, 90, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये वाला अगर 100 पॉइंट होगा तो 1 रुपया होता है ना, तो हम लोग नीचे पीछे वाला लेंगे 43 का डेल्टा लेंगे, ठीक है। तो 43 का डेल्टा लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको काट कर देंगे, ये वाला डेल्टा लेंगे और ऊपर का 35,000 का, इसका डेल्टा कितना है माइनस 0.43 डेल्टा, राइट। 43 50 तक नहीं जाना क्योंकि 50 50 1 रुपीज़ होता है ना, तो यहाँ पे 43 पैसा ले रहा हूँ हम लोग। अगर ऑप्शन में क्या हुआ, हम लोग जो बाय कर रहा हूँ फ्यूचर उसको क्या है 1 रुपया है, तो हम लोग 50 पैसा को दो मतलब 43 का दो लेंगे, बाय करेंगे एक साथ में, ठीक है। तो 43 का दो बाय करेंगे, ये 35,500 का, इसको दो डेल्टा कितना है यहाँ पे 43 ये वाला, तो डेल्टा 43। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो बाय करेंगे, तीन नहीं दो, तो दो बाय करने से क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेटेजी या बन गया, हम यहाँ जाके देख सकता है, यहाँ पे बन गया देखो ग्राफिकली हम लोग डेटल द्वारा हैज किया है, राइट। इसका लॉस कितना होगा, मैक्सिमम प्रीमियम 19,000 मतलब लॉस होगा, और इज अ प्रॉफिट देन अनलिमिटेड, राइट। तो मैंने ना यहाँ पे देखो मैक्सिमम लॉस 22,332 रुपीस, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बाय किया, राइट, फ्यूचर का पुट को बाय किया डबल लॉट, तो और जो ऑप्शन अनलिमिटेड प्रॉफिट है, देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि हम फ्यूचर को बाय किया, अगर मेरा प्रोडक्शन सही गया ऊपर साइड तो हमारा परफेक्ट हमारा प्रॉफिट देके जाएगा, राइट। तो अगर गलत हुआ तो उसके लिए हम लोग को 22,329 रुपीस लॉस होगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन, अगर आप इसको ऑप्शन फ्यूचर को बाय कर रहा है तो आप पुट साइड को बाय करना है और ऑप्शन फ्यूचर को बाय करना है। सेम इसका ऑपोजिट अगर आप क्या कर रहे हैं, अभी एक तो हो गया, इसको कटेंगे तो देखो यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन हम बाय किए, तो इसका तरह से यहाँ पे 322 रुपीस प्रीमियम दिया है हम लोग, दो तीन तीन 600 रुपये 700 रुपये करीब दे दिया, राइट। 700 रुपये दिया तो 25 × 700 रुपये कितना आता, उतना हम प्रीमियम दिया, 19,000 प्रीमियम है हमारा, 19,100 का मतलब प्रीमियम दिया, हमारा लॉस होगा 22,000। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे आ गया तब, ठीक है, 1 रुपये से अगर ये एट द मनी आ जाएगा पुट साइड का, अगर ये बहुत धड़ाक धड़ाक से नीचे जाएगा तो ये भी तो क्या होता 43 से ये भी 1 डेल्टा हो जाएगा ना, डेल्टा -0.85 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, तो इसका दो दो होगा तो डबल हो जाएगा ना फ्यूचर से, फिर फ्यूचर तो हमेशा ही 1 रुपये रहेगा, वो तो घटेगा ही नहीं। तो ये है कॉल साइड का होगा है। अभी का फिर और एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे वीकली, सेम इसी तरह से मंथली भी ले लेना, वीकली दिखा दिया, सेम इसी का मंथली ले लेना, उसको ना मंथली भी ऑप्शन ले लेना और प्लस फ्यूचर का जो है वो भी ले लेना मंथली का, तो यही सिंपल है, वीकली मंथली में वो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम लोग करेंगे जो हमारा व्यू है डाउन साइड, राइट,
हम करेंगे सेल, हमारा व्यू है यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा, थोड़ा मस्त से प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्शन गलत होता तो हम इतना लॉस देंगे, ठीक है। तो ओवरनाइट पोजीशन अगर 500 हजार पॉइंट गैप होगा तो फ्यूचर अगर डायरेक्ट अगर शॉर्ट किया तो आपको पूरा कैपिटल ख़त्म कर देगा, तो अब रोते रह जाएगा, राइट। तो ओवरनाइट पोजीशन के लिए आपको बाई करना पड़ेगा, अगर आप फ्यूचर को सेल किया तो आपको कॉल को बाई करना पड़ेगा। चलो हम वही करके आएंगे। अभी का ऑप्शन चेन है हमारा इधर। अभी हम क्या करेंगे, ये स्ट्राइक प्राइस को हम करेंगे सेल, सेल क्योंकि हम उस टाइम बाई किया था, बाई करने से मार्केट ऊपर जाएगा। सेल करने से क्या होगा, हमारा फ्यूचर सेल करेंगे और फ्यूचर सेल करने से मार्केट नीचे आएगा, कॉल बाई करने से ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे। तो हम इसका डेल्टा देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा कितना है, डेटा यहाँ पे 35,700 का डेटा है, 49 थोड़ा ज़्यादा कसली है, मैं थोड़ा नहीं लेंगे 45 डेटा, 0.45 ये वाला ठीक है। तो हम नीचे वाला लेंगे, 315 रुपये का प्रीमियम पे करेंगे, 2 लॉट लेंगे। तो हम लोग चले वहाँ जाएंगे, डेटा प्लस मतलब कॉल साइड का प्लस होता है, आउटपुट साइड का माइनस होता है। तो हम ये स्ट्राइक लेंगे, सेल कभी नहीं करना, सेल से हेजिंग नहीं करना, वो भी होता है, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी है, बाय करना पड़ता है, फिर वो अब नहीं करना, ठीक है। आप क्या करना, ये 2 लॉट बाय कर लेना यहाँ पे, हो गया हमारा स्ट्रेटेजी। तो ये हो गया वीकली बेसिस में यहाँ पे कितना प्रीमियम कितना क्या है, इसका ग्राफिक ऐसा आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस 19,957 लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा आपको, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो आपको पोजीशन क्या है, पोजीशन तो यहाँ बन गया, आपने क्या किया, फ्यूचर को सेल किया और कॉल को बाई किया, राइट। तो आपको 315 रुपये का प्रीमियम है, तो डबल डबल 3 3 600 630 रुपये का प्रीमियम आप पे किया, राइट। तो 600 पे 30 × 50 तो कितना आता, उतना प्रीमियम आप पे किया, 15,750 रुपीज़ प्रीमियम यहाँ पे हम लोग 50,750 प्रीमियम हम लोग पे किया, राइट। और हमारा तो 15,750 का प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पे 35,000 मार्जिन लगने वाला है हमारा पास, यहाँ पे 35,000 मार्जिन लगेगा, ठीक। सॉरी ये ब्रेक इवेंट है, बी 35,100, 36,593 ये है ब्रेक इवेंट, 35,100 मतलब नीचे का है, ऊपर का 36,508। अब प्रीमियम है 15,000 का, हम लोग लॉस हो गया 19,000 का। और पॉप अप 23 पॉइंट मतलब 25% पॉसिबिलिटी है, 25% पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। और द रिक्स एंड लॉस, ठीक है। प्रीमियम यहाँ पे यहाँ देखो, द स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटजी लॉस दिस एक्सपायरी, ठीक है, ये एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जो कैश कैश यहाँ पे नहीं है, लाइव मार्केट में कैश दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया, ऑप्शन फ्यूचर को कैसे हेजिंग करा जाता है। सेम इसी तरह से मंथली ले लेना, मंथली कैसे लेना वो भी दिखा देता हूँ। सो आपको व्यू है, सपोज आपको जो व्यू है, राइट, अभी मंथली में जाना है तो क्या करना, आपको मंथली में ये है वीकली दिखा दिया, मंथली में जाना तो क्या करना, आपको 1 2 3 ये 25 ये मंथली का है, राइट। तो आप मंथली में जाओ, यहाँ पे जाओ, फिर क्या क्या किया, हम फ्यूचर को करेंगे सेल, सेल कर दिया। और इसका डेल्टा कितना है, डेल्टा यहाँ पर डेल्टा 0.42 ये ज़्यादा हो रहा है, 0.48 ये वाला, हाँ ये वाला क्या करेंगे, हम बाय करेंगे 2 लॉट में। क्या हो रहा है यार, और इसमें ना ज़्यादा पैसा लगता है मंथली में, ठीक है, और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, रेंज भी बहुत बड़ा मिल जाता है। अगर आप रेंज देखेगा तो यहाँ पे 34,300, तो रेंज 34,000 34,000
यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज मिल जा रहा है, तो ये समझता 15 मिनट, ये इतना दूर तक रेंज मिल जाएगा आपको, ठीक है, ओवरनाइट के लिए। अगर आप ऊपर साइड का जाएगा 37,700, 37,700, थोड़ा यहाँ यहाँ 600, यहाँ यहाँ रेंज मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रेंज समझ में आ गया, उसके लिए आपको 43,000 का लॉस होगा। अगर आपका नीचे का लेवल टच कर गया तो जाके धड़ाधड़ घेगा, तब जाके आप क्या किया, सॉरी गलत गलत बोल रहा हूँ, नीचे अगर आपका रिवर्स ऊपर गया है, ऊपर का रेंज आपको 37,700 ये है आपका, अगर आप सेल किया राइट, अगर आप नीचे गया तो आपको 35,400 हाथ तक गया, तो पूरा इतना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा कितना है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, उसको बाद से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा वहाँ से, ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे ग्राफिक दिया कितना है, यहाँ पे आए तो कितना होता, यहाँ पे कितना प्रॉफिट देगा, ठीक है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट देगा, यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ तक आया तो पूरा प्रॉफिट देगा, यहाँ पे दिया तो 32,47, यहाँ पे बढ़ते ही जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 1 लाख, मतलब कितना नीचे आएगा उतना यहाँ पे प्रॉफिट देगा आपको, अनलिमिटेड प्रॉफिट बोल रहा हूँ ना, धड़ाधड़ नीचे गिरेगा तो धड़ाधड़ प्रॉफिट मिलेगा आपको, प्रोटेक्शन छाई रहना चाहिए। तो यहाँ पे मंथली पे क्या हो समझ में आ गया, मंथली भी समझा दिया, वीकली भी समझा दिया, ठीक है। सेम इसी तरह कॉल साइड पुट साइड, अगर आप कॉल को सेल कर रहे हैं, अगर फ्यूचर को आप सेल कर रहे हैं, तो क्या करना, फ्यूचर को सेल करने से आपको बाई करना है कॉल साइड का, अगर आप फ्यूचर को बाई कर रहे हैं तो आपको पुट साइड का बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग कुछ नहीं है, ऑप्शन को सेलिंग नहीं करना, अगर सेलिंग करेगा तो आपको घर फट जाएगा दोनों साइड से, तो वैसे नहीं करना, ठीक है। अभी हम लोग सब इसमें आप लोग को समझ में आया कि नहीं पता नहीं, मगर ना आप लोग को हमें एक बार इसमें समझा दे, चलो ये इसमें फटाफट बनाएंगे, दो तीन पोजीशन बना के आपको समझा देंगे, आप लोग को इसमें समझ में आया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस है ना, आप लोग को इसमें से देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर को हम ऑप्शन द्वारा कैसा, फ्यूचर को हम क्या करेंगे, 13K एक बाय किया, सपोज फ्यूचर को बाई कर लिया राइट, अभी हम लोग पुट को बाई करेंगे, फ्यूचर को बाई हो गया, हम पुट को बाई करेंगे वीकली बेसिस में राइट, वीकली बेसिस में बाई करेंगे, तो हम पुट को बाई करेंगे, डेल्टा कितना है, डेल्टा किधर है इसका डेल्टा, हाँ इधर पुट डेल्टा, डेल्टा है 45 राइट, 41 ये वाला ही लेंगे 45, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे 2 लॉट, फोर्टी फाइव 41, हाँ ठीक है, यही 41 नहीं तो 45 इसका अंदर ही रहना, ये 48 का चक्कर में नहीं जाना, 45 ठीक है। तो हम लोग बाय कर लिया, हमारा ग्राफिक कैसा आता, क्या आता, सब कुछ ऐसा, ये देखो इसमें सबसे अच्छा दिखता, मस्त दिखता राइट, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म एक जैसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें डाटा बहुत स्लो आता है, यही रीजन है, मगर यहाँ पे ना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। उसमें ना प्रीमियम किधर है, वो किधर है यार, इसमें देखो कितना अच्छा से लिख दिया, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट 42, मैक्सिमम परसेंटेज 42%, वहाँ पे भी लिखा है, मगर इस तरह से देखने में या मैक्स प्रॉफिट है अनलिमिटेड देखा, और वहाँ पे भी नीचे लिखा है अनलिमिटेड, मगर यहाँ पे अनलिमिटेड देखो, और मैक्सिमम लॉस कितना 23,000, वहाँ पे भी तो लिखा है, तो कितना परसेंटेज सब कुछ वहाँ पे लिखा है, मगर इस तरह से थोड़ा अच्छा रहता देखने में। यहाँ पे ब्रेक इवन भी लिखा है देखो, 34,500, 36,400, ठीक है, ये डाटा थोड़ा आगे पीछे है, तो 34,500 यहाँ पे 36,400, और वहाँ पे 700 आ रहा था राइट, तो वो डाटा ना करेक्ट डाटा होता है, ये डाटा स्लो आता है, 15 मिनट का बाद आता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रीमियम कितना, 17,000 लगने वाला है हम लोग को, क्योंकि हम दो बाई करा और फ्यूचर को भी बाई किया, तो हम टोटल कैपिटल को पूरा मतलब
हमारा सेफ है, राइट। अगर हमारा प्रोडक्शन साइज आता है, मार्केट को बाई किया, अगर ऊपर तक जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा, धड़ाधड़ जाना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए। तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम भी घटते जाएगा ना, तो हम लोग प्रीमियम पे किए 17,000, लॉस होगा कितना, 23,000। क्यों होगा तो आपको मालूम है लॉस क्यों होगा, राइट। आप 17,000 प्रीमियम पे करके आपको 23,000 का लॉस क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसा ही देखा है। अगर आपका रिवर्स आ जाएगा तो आपका जो यहाँ पे कितना रेंज है, 36,400 ये ऊपर साइड से गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट देने लगेगा। अगर 34,551, 34,500 करीब यहाँ आएगा, 551 यहाँ पे आएगा, ये नीचे का लेवल है। अगर ऊपर क्या है, 36,000 कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, इस लेवल से यहाँ तक अगर गया तो प्रॉफिट देने लग जाएगा। अगर जो आपको फ्यूचर पुट को बाई किया तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ तक आपको जो स्ट्रेटेजी बनाए हैं वहाँ तक आपको सेफ करते जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो रेंज है 36,400, यहाँ तो क्या करेगा, आपको सेव करेगा। जो पुट बाई किया आपका फेवर में गया है, आप प्रॉफिट मिल रहा है, मगर अगर फिर प्रॉफिट के बाद आप अगर वहाँ से बुक ना करके, फिर क्या होगा, यहाँ वहाँ तक आपको सेव देगा, ठीक है। 36,400 तक आपको मतलब एक सपोर्ट तरीके से आपको सपोर्ट देगा, जो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। उसको बाद आपको वो लॉस देने लग जाएगा, अगर वो रिवर्स नीचे आते हैं तब तक तो आप प्रॉफिट ही बुक कर लेंगे। क्या होगा, तब तक तो आप प्रॉफिट ही बुक कर लेगा, तो काई को टेंशन, ठीक है। रेंज से हमको क्या मतलब, हमारा प्रोडक्शन अगर ऊपर तरफ जाएगा तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर देंगे वहाँ तक। तो वहाँ तक कितना पॉइंट, 36,400, अभी स्ट्राइक की 35,600, और यहाँ पे कितना है, 36,400 या 5,600 कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट, 600 पॉइंट ऊपर आपको उतना वो 200 पॉइंट क्या इनका एकदम मस्त है ना। तो ये सब ऑप्शन बाइंग होता है ऐसा, सेम इसी तरह से ये जो मैं फ्यूचर को दे गया, अभी इसको फिर से मैं एक बार क्या करेंगे, ये आपको आपको क्यों देखा रहा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखने से क्या होता है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर ले लिया हम, फ्यूचर को क्या करेंगे, आप बाई किया एक सेल किया, इसी यहाँ पे आके आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कि नहीं पता नहीं, हो हमारा ब्रोकर है। तो उस तरह से ले लिया, फ्यूचर को क्या किया हम, सेल किया। अभी कॉल को हम बाई करेंगे यहाँ पे वीकली, यहाँ पे मंथली, जो भी मंथली कर रहा है तो मंथली मंथली में थोड़ा पैसे ज़्यादा लगता है, लॉस भी ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम फ्यूचर को क्या किया, सेल किया, तो हम कॉल को बाई करेंगे। इसका डेल्टा 47-43, तो 47 ले लेंगे, 47-45 ये भी ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी हमारा। तो हम 47 का ही लेंगे, यहाँ पे नहीं, हमारा प्राइस भी देखने वाला 321, तो 43, 47, चलो 47 और 3, ये वाला ही ठीक है हमारे लिए, कि थोड़ा लॉस तो उठाना पड़ेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना पड़ता ना। तो यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर वाला बाय, ऊपर का बाय करे तो 20 में रहता है, थोड़ा साइड किया ना, थोड़ा लॉस ज़्यादा लेंगे बोल के। अब 20,000 का लॉस होगा हमारा, हमारा प्रीमियम 17,800 रुपये जाएगा, हमारा ब्रेक इवेंट 34,990, हमारा ब्रेक इवेंट है, नीचे का ब्रेक इवेंट है, मतलब वहाँ से हमका कॉल जीरो होने लग जाएगा। और यहाँ पे 36,610 रुपीज़ जो है, इसका ऊपर गया तो हमारा लॉस होने लग जाएगा, तब लॉस होने लग जाएगा। मतलब अगर 20 में क्लोज हुआ तो जाएगा लॉस, ठीक है। अगर कोई भी साइड मूव करेगा फास्ट फास्ट तो कोई लॉस नहीं है किधर भी। 90 सेकेंड, अगर यहाँ पे अगर ऊपर गया, अगर यहाँ से ऊपर गया तो प्रॉफिट देने जाएगा। ये रेंज किस लिए बताता है, कोई भी साइड, ये तो प्रॉफिट देन अनलिमिटेड, लॉस 20 में अगर रहेगा, अगर 20 में यहाँ क्लोज दे देगा तभी लॉस होगा। आप समझते हैं, पुट साइड भी किया तो भी प्रॉफिट देगा, नीचे भी किया प्रॉफिट देगा, मतलब कोई भी साइड जाने दो प्रॉफिट आपको मिलेगा, 20 में रहेगा तो आपको लॉस देगा, ठीक है। 20 में कितना पॉइंट,
34,000 से 36,000, मतलब यहाँ से यहाँ तक लॉस बहुत कम है। मतलब कोई भी साइड मोमेंट करे तो उस तरह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप दो कॉल बाई किया है ना, राइट। कोई भी साइड प्रॉफिट देगा अनलिमिटेड। लॉस आपको प्रीमियम है 17,000 प्रीमियम पे किया, 20,000 लॉस होगा, क्योंकि 20,000 लॉस क्यों होगा अगर 20 में क्लोज होगा तभी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? पता नहीं कैसे समझ में। कोई भी साइड देखो प्रॉफिट, दोनों साइड प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, दोनों साइड आप सोच रहे हैं, नहीं आपका रिवर्स किया मार्केट हाँ, आप फ्यूचर को बाई किया ऊपर ना जाकर रिवर्स धड़ाधड़ नीचे भी गिर गया तभी तो आपको प्रॉफिट देगा। जो आपका डेल्टा कितना है, राइट, यहाँ पे डेल्टा कितना है दिखाएंगे। यहाँ पे डेल्टा ये 100 पॉइंट मतलब 1 रुपया, राइट, 1 रुपया। यहाँ पे 87 पैसा, मतलब यहाँ पे 87 पैसा, 80-90, 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का फर्क है आपका, ओनली 12 पॉइंट। अगर ये 100 पॉइंट से अगर ये अगर नीचे आएगा तो ये 50 बन जाएगा। एट द मनी कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। 50 के बाद 80 बन जाएगा। 80 मैक्सिमम 80 पॉइंट अगर आ गया एक एक तो दोनों क्या होता 120 पॉइंट, तो 80 80 160। तो ये जो 100 पॉइंट का है इससे ज़्यादा फ्यूचर से ज़्यादा ऑप्शन में आपको प्रॉफिट देने लग जाएगा। तो इस तरह से हेजिंग होता है। ये कब करना? जब बाई होगा अच्छा खासा, तो दोनों तरफ से फ्यूचर में अगर क्या है ये डायरेक्ट मोमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया फ्यूचर को कैसा हेजिंग करा जाता है और ऑप्शन द्वारा। आप चाहे कोई भी साइड बाई करो, कोई भी साइड सेल करो, आपको प्रोडक्शन होना फ्यूचर को बाई कर रहा है तो ऊपर साइड जाने का कोशिश करो, क्योंकि आपने नीचे का भी प्राइस बाई किया। जो ऑप्शन में क्या होता है ये सब क्यों बनाया ऑप्शन? ऑप्शन एक्चुअली बनाया है फ्यूचर को हेजिंग करने के लिए और कैश मार्केट को भी हेजिंग करने के लिए। जो हम लोग स्टॉक में ट्रेड करता हो ना, अगर हम करोड़ों रुपये का स्टॉक उठा के रखा है तो हमारा अगर एक महीने में कि आधा कैपिटल ख़त्म कर देगा तो हम क्या बैठ के रहेंगे? तो इसीलिए कॉल साइड से हम बाय करेंगे, पुट साइड का बाय करेंगे। ठीक है, मतलब इमरजेंसी का टाइम है तब जाके ऐसा होना। उसके बाद कॉल यहाँ पे स्टॉक कवर्ड कॉल होता है, कवर्ड कॉल जो हम ऑलरेडी बना चुका है वीडियो, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स। और ऑप्शन का टोटल कोर्स ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। और टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी नाइस डे।